वहीं रायबरेली में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी दलों में जीत को लेकर इस कदर बेचैनी है कि वो एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। आलम यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अब निजी लड़ाई में बदलती जा रही है। कांग्रेस, सपा और भाजपा तीनों पार्टियों के प्रत्याशी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सपा प्रत्याशी मुकेश बहादुर सिंह ने भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह पर जहां कई गंभीर आरोप लगाए, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश सिंह ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे पर हमला बोलते हुए रेप सहित कई अन्य मुद्दों पर मंत्री मनोज पांडे पर आरोप मढ़े। मेरे सामने खड़े दोनों प्रतिद्वंदी पूरे जिले में पैसे बांट रहे हैं, वहां मैंने ये साबित कर दिया है कि चुनाव को मैं बगैर पैसे के लड़ रहा हूं, और मैंने कल एक राजकुमार यादव जैसे नवयुवक की मदद कर करके अपने पैसे का सदुपयोग भी दिखा दिया है। उस नवयुवक के दोनों किडनी फेल है, और इन दोनों प्रत्याशियों को ये नहीं समझ में आया कि पूरे जिले में पैसे बांटने की बजाय जाकर के उस गरीब नौजवान की मदद करते जिसकी कि वो हो गई। दूसरा मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उन्होंने मेरी राजनीतिक हत्या और हत्या रचने का कुत्सित प्रयास किया जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। राजनीति में किसी को हराने जिताने के लिए 376 जैसे मुकदमों का प्रयोग नहीं हुआ करता था। जब से रायबरेली जनपद में मनोज पांडे मंत्री पद संभाले हैं तब से इस 376 का उद्भव हुआ, और इनका उपयोग पहली बार उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में गजाधर सिंह के विरोधियों के ऊपर उन्होंने 376 मुकदमे लगवाए कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर्स को। उसके बाद हमारे भाइयों पर 376 के मुकदमे लगवाए, उसके बाद अब फिर से धमकियां दी जा रही 376 मुकदमे लगाने की। बहराइच की बीजेपी सांसद साध्वी सावित्री बाई फूले ने जिला और पुलिस प्रशासन पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बेवजह उन्हें 4 घंटों तक रोके रखा गया। सांसद का आरोप है कि वह संसद सत्र में शामिल होने दिल्ली जा रही थी। कोतवाली देहात क्षेत्र के पानी टंकी चौराहे पर उनके वाहन को पुलिस ने रोककर उनके साथ अभद्रता की। उनके साथ वाहन में बैठे लोगों को जबरन खींचकर नीचे उतारा गया। वहीं इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सांसद के साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं की गई है। विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, आदर्श आचार संहिता लागू है। सांसद जी लाल बत्ती लगाकर चल रही थी जिसे ऑब्जर्वर ने देखा और कार्रवाई के निर्देश दिए। मैं जगह पानी टंकी के पास पहुंचे, अचानक हमारी गाड़ी इंस्पेक्टर नान कोतवाली देहात और सीओ ने गाड़ी रोक लिया और ड्राइवर को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकालकर उससे चाबी छीन ली। हमारे साथ में बैठे हरिचंद गुप्ता जी उनको भी जबरदस्ती खींच करके बाहर निकाल दिया। इस पर मैंने पति विरोध किया कि ऐसा क्यों करें, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तुरंत निकलना है, लोकसभा बजट सत्र में मुझे पहुंचना है। इस पर उन्होंने कहा पहले पुलिसिया कार्रवाई होगी, इसके बाद में लोकसभा जरूरी नहीं है, यह कह करके मेरे साथ अभद्रता की। एमएलसी का जो चुनाव हो रहा है उसमें आदर्श आचार संहिता का जो है अनुपालन कराया जा रहा है और उसका उल्लंघन उन्होंने पाया, जिसपे उनके निर्देश पे जो है कोतवाली इंस्पेक्टर और कोतवाली देहात की फोर्स गई, उन्होंने उनके निर्देश पे गाड़ी को रोका गया और उसमें एमबी एक्ट के अंतर्गत और एमसीसी के उल्लंघन के अंतर्गत जो है इसमें कार्रवाई हुई है।